असल में ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ मैं इससे ना, एज अ होस्ट, तो मुझे नो प्रॉब्लम, इसका नो ज्यादा प्रॉब्लम, आइडिया नहीं है, तो इसको कोई कैसे, बात तो आप अभी मुझे कर, साथ बता दीजिएगा कि सब लोगों को आवाज जो है वो क्लियर है, तो ठीक है। देन आप स्टार्ट अभी करते हैं। जैसे स्क्रीन शेयर कर लिया है ना, अब बस अब आप अपनी अपने सीक्वेंस के साथ, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो भी आप आपकी रूटीन है और जो भी आपके पॉइंट्स हैं, बस आप वो बताते जाइए, ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम टेलर, मेरा नाम आमिर अली है और मैं एज अ फ्रीलांसर और अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं लाइक, सॉरी अगर एक मिनट में ये विंडो क्लोज कर शोर आ रहा है। आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, एक्चुअली नॉट नॉट अ फुल टाइम फ्रीलांसर, आई एम वर्किंग एज अ यू कैन से पार्ट टाइम फ्रीलांसर, तो इसके अलावा ऑनलाइन की फील्ड से ही मेरा ज़्यादा ताल्लुक है सिंस 2012, और मुझे इस सेशन के लिए सिस्टर फायजा ने इनवाइट किया था कि मैं कुछ अपने जो रन कर रहा हूँ लाइक फाइवर को और अपवर्क को, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काइंडली क्लियर कीजिएगा, सबको वॉइस आ रही है, सबको वॉइस क्लियर है, ये वॉइस क्लियर है मेरी साइड पे, तो क्लियर है। ओके ठीक है, तो फ्रॉम द बेसिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे लाइक फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर, सेम व्हाई आई एम मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप लोगों को ये सिखा सकूं कि फाइवर पे फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए जस्ट भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता चलूं कि मैं फाइवर पे काम कर रहा हूं सिंस 2012, देन मैंने उसमें ब्रेक लिया और कुछ अपने प्रोजेक्ट से, देन मैंने फाइवर को लीव किया और अभी दोबारा जो है मैंने फाइवर को एज अ अपना स्टार्ट किया एज अ कैरियर समझ लें या कुछ भी समझ लें, तो बेसिकली मेरा ताल्लुक ज्यादा ऑनलाइन फील्ड से ही है, तो उसमें जो है डिफरेंट काम जो है हमारे को हम करते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, तो फ्रीलांसिंग पे काम करना लाइक ज्यादा टाइम नहीं होता कि फ्रीलांसिंग पे, क्योंकि हमारे ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स और डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, तो उसकी वजह से फ्रीलांसिंग यहाँ पे फ्रीलांस साइट्स पे काम करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, फिर भी हम काम पकड़ते हैं करते हैं अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो। तो फ्रॉम बेसिक से आज हम स्टार्ट करेंगे सॉरी, तो जस्ट सेकंड प्लीज, मैं ना देख लूँ कि यहाँ से मैं जो है ना चैट देख सकूँ इनकी ना, तो वो ऑप्शन कहाँ से आएगा मैं देख सकूँ, चैट 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 चैट, अच्छा यहाँ से चैट, ठीक है सो इस सेशन की आउटलाइंस कुछ यूं है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर ऑन फाइवर, तो फाइवर से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली फाइवर, आप में से कोई है जिनको फाइवर का आइडिया है या अपवर्क का, जिन्होंने प्रोफाइल अपनी क्रिएट करी हुई है, करनी कमेंट में कुछ है तो वो बता दें जरा ताकि उस हिसाब से बात करें। अच्छा ज्यादा लोगों को मिक्स ही है, मतलब 50-50 है, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता, तो सारे बिगनर्स ही हैं लाइक, उनको गिग अगर क्रिएट करी हुई भी है तो अगर वो बिगनर्स हैं तो मेरे ख्याल में सेल्स नहीं है अभी उनके पास, तो इंशाल्लाह आज हम इतना इसको स्टार्ट से ही लेकर चलें, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर वो हैं जो अभी स्टार्ट ले रहे हैं, जो जानते भी हैं ना तो वो अभी स्टार्ट है, स्ट्रगलिंग स्टेज पर है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, so what is exactly Fiverr? Fiverr is a platform जहाँ पे आप अपनी services sell कर सकते हैं और अपनी price जो है वो जो price आप जिस price पे sell करना चाहते हैं उस price पे sell कर सकते हैं, ठीक है। Fiverr is a freelance platform जहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी services जो है वो sell कर सकते हैं, उन services को छोड़ के जो Fiverr ने अपनी terms and condition में allow नहीं की हुई कि आप ये services नहीं sell कर सकते, like आप फाइवर पे फेसबुक लाइव सेल नहीं कर सकते या आप फाइवर पे गूगल के रिव्यूज सेल नहीं कर सकते, कुछ सर्विसेज हैं अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सी सर्विसेज जो है वो वहाँ पे फाइवर पे सेल नहीं कर सकते। तो मैं बेसिकली एज अ डिजिटल मार्केटर और एज अ वेब डिजाइनर एंड डेवलपर काम करता हूँ यहाँ पे फाइवर पे, तो
why Fiverr? Because all different platforms here, like freelancer.com and upwork.com. So Fiverr ko hi kyun choose karna chahiye as a beginner? तो इसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है. अगर आप फाइवर की सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ से कोई भी स्टार्ट कर सकता है. लाइक आप अकाउंट क्रिएट करें, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें एंड देन यू आर गुड टू गो. आप गिग बना सकते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. एज कम्पेयर टू अपवर्क, अगर आप अपवर्क पे जाएंगे तो अपवर्क में क्या इशू होता है कि अपवर्क पे आपको पहले प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जो है उनका वो पूरा प्रोसेस होता है. वो आपसे लाइक वीडियो कॉल करवाते हैं, उसके बाद आपसे आईडी भी मांगते हैं. वो आपकी प्रोफाइल को पहले अप्रूव करेंगे, देन आप उस पर बिड कर सकेंगे. ठीक है, वहाँ पे होता है बिडिंग ऑप्शन. पहले ये होता है बिडिंग ऑप्शन, लाइक वहाँ पे क्लाइंट जो है वो प्रोजेक्ट को पोस्ट करता है. ठीक है, और अगर लाइक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया वेब डिजाइनिंग का, वर्डप्रेस वेबसाइट का, ठीक है, आप वर्डप्रेस वेबसाइट का काम करते हैं, तो आपने उस प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है, लाइक बिड करना है. ठीक है, तो वो अपना बजट बताएगा, मेरा बजट ये है. आपने अपने जो आप देखते हैं कि मुझे इस प्राइस में जो है वो क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट अगर मिल जाए तो ठीक है, तो आप उस पर बिड करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि कनेक्ट का ऑप्शन होता है उसमें अपवर्क पे. तो उसमें वो एक प्रोजेक्ट को बिड करने के लिए 2 से 6 कनेक्ट लगते हैं मैक्सिमम. तो Fiverr is more easy for beginners. वो इसलिए कि ये बिल्कुल फ्री है. यहाँ पे आपको कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है. यहाँ पे आप जब गिग बनाएंगे तो आपको टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है और आप गिग बना के सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. So, समझ आ गई इतनी आपको, कर ली ये कर दें. Yes, अगर समझ मैं गिग को एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पर, आपको सारा क्लियर हो जाएगा. मैं गिग को फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, गिग कैसे क्रिएट करनी है, गिग होती क्या है, प्राइसेस क्या होती है, सारा ये चीजें ये फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, व्हाट सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड ऑन फाइवर, व्हाट सर्विसेज टू प्रोवाइड ऑन फाइवर. तो इसमें मैं अगर आपके पास शेयर करूँ, लाइक यहाँ पे मैं अगर प्राइवेट विंडो में ओपन करूँ फाइवर को, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, पढ़ ली, यस कर दें अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो आपको ठीक है. ओके, मैं यहाँ से स्विच. अच्छा, फाइवर पे आप कौन सी सर्विसेज जो है वो, अच्छा काइंडली अभी जो है ना वो जो हैंड रेस कर रहे हैं वो भी ना करें, इसको हम जो आपका क्वेश्चन का वो इसके सेशन के एंड में रखेंगे. तो जो जो मुझसे हो सका तो इंशाल्लाह मैं ना वो आपके क्वेश्चन सारे क्लियर कर दूँ. अच्छा, आप कौन सी सर्विसेज जो है वो लाइक फाइवर पे सेल कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे आए तो, अगर फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक एंड डिजाइन कैटेगरी में आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरी हैं जो आप फाइवर पे सेल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोगो डिजाइन में आते हैं, ठीक है, अगर हम लोगो डिजाइन में आए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें से कोई भी पता जो है वो क्या, रिपीट करूँ, सॉरी मैं बताइएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ. अरेशा खान, जी फाइजास, आप इसे पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है रिकॉर्डिंग जो है इस सेशन की होगी या नहीं. तो आफ्टर द एंड जब हम इसको सेशन को एंड करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इसको जो है वो क्लियर कर देंगे. तो इसको कंटिन्यू रखते हैं. अच्छा, अगर आपने सर्विसेज कौन सी सेल करनी है फाइवर पे, अगर आप आ जाएं, जब आप जाएंगे फाइवर को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मेन कैटेगरीज आ जाएंगी. ठीक है, मेन कैटेगरीज में फॉर एग्जांपल हम आ जाएं लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी पे, और आ जाएं लोगो डिजाइन पे, सॉरी आ जाएं. फॉर एग्जांपल हम में से कोई भी है जो लोगो अच्छा डिजाइन कर लेता, वो क्या करेगा कि अपनी कैटेगरी को चूज करेगा. मकसद बताने का ये है कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज है. ठीक है, आप कोई भी कैटेगरी जो है वो चूज करके
तो अपना जो है वो फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हर एक कैटेगरी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जस्ट एक कैटेगरी में काम करते हैं लाइक लोगो डिजाइन, और उनके पास काम ही खत्म नहीं होता। इतना काम होता है कि वो कहते हैं यार कि हम ओवरबर्डन, मतलब उनसे काम जो है ना वो ओवर हो गया, उनसे पूरा ही नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो ये कैटेगरीज हैं, ये आपने एक्सप्लोर करनी है, आपने देखना है, आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको जाहिर है पता होगा कि मैंने क्या करना है, मेरी क्या स्किल है या मैं क्या कर सकता हूँ फाइवर पे, ठीक है। आपने उसी हिसाब से अपनी जो है ना यहाँ से आपने कुछ चीजें देख लेनी है, ठीक है। सॉरी मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इट्स माय वेरी फर्स्ट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ सेशन, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ट्रेनिंग, तो मुझे मे भी मेरा मेथड थोड़ा सा आपको ऑब्वियस सा लगे, रॉन्ग सा लगे, बट मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मैं ना ये ट्रेनिंग कैसे देते हैं और भाई कैसा। तो अच्छा जी, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अच्छा आपको ये तो अब ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि व्हाट सर्विस टू प्रोवाइड ऑन फाइवर, के आपने फाइवर पे सर्विस कौन सी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फाइवर क्या है, फाइवर क्यों जरूरी है, या फाइवर बिगिनर के लिए क्यों जरूरी है, ये चीजें क्लियर हो गई। व्हाट सर्विस टू प्रोवाइड ऑन फाइवर, फाइवर पे आपने कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको ये चीज क्लियर हो गई है। पहली इसको यस कर दें अगर आपको क्लियर हो गई है तो। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आते हैं सेटिंग अप प्रोफाइल ऑन फाइवर। अच्छा फॉर एग्जांपल बिफोर गोइंग ऑन फर्दर मैं आपको क्लियर करवा दूं कि सॉरी मैंने स्टार्ट में आपको एज अ मोटिवेशन के लिए शो करवाना था, ये मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है जी, ये जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर हुआ स्विच टू सेलिंग हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है। यहाँ पे अभी मेरा एक्टिव ऑर्डर नहीं है, मैंने रिसेंटली एक दो दिन पहले एक्टिव ऑर्डर डिलीवर किया। अगर यहाँ पे आप अर्निंग में आए तो आप देखेंगे कि जस्ट यहाँ पे इस मंथ मैंने, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है तो इस पे मैं स्टार्ट में यूं करूंगा कि मैं इस कर रहा हूं कि मुझे रिव्यूज मिल जाए, थोड़ी सी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए, तो थोड़ा सा जो है ना जब प्रोफाइल बिल्ड होगी तो मैं प्राइसेस जो है ना वो अपनी इंक्रीज कर लूंगा। यहाँ पे मेरी लाइक ऐसी ऑफर्स क्रिएट हुई हुई हैं काफी बड़ी, तो जो इंशाल्लाह अगर उनमें से ऑर्डर जो है मैच्योर हो गए तो ये मेरी प्रोफाइल जो है ना बूस्ट कर जाएगी। मैं अब आपको अपनी सेकेंड प्रोफाइल दिखाता हूँ जो मैंने जी, मैं आपको ये प्रोफाइल दिखाता हूँ। अच्छा ये मेरी एक प्रोफाइल है जी, ये मेरी प्रोफाइल एक साल पुरानी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा नेट इनकम जो है वो $556 है, $5,156 जो है ना मैंने इस प्रोफाइल से अर्न किए हैं, ठीक है। विड्रा मैंने ऑलमोस्ट $5,000 विड्रा किए हैं और इतने मैंने परचेज किए हैं, और ये अभी $26 जो है वो मेरे आमिर भाई आपकी स्क्रीन स्टिल हो गई है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सॉरी असल में मैंने ये जो प्रोफाइल है ये मैंने आरडी पे लॉगिन की है, शायद इस वजह से ना ये स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छा मैं स्क्रीनशॉट लेके ना शेयर करता हूं, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने असल में वो आरडी पे लॉगिन की हुई है प्रोफाइल, तो इसलिए स्क्रीन जो है ना वो शेयर नहीं हुई, तो मैं यहां पे शेयर करता हूं। ये मेरी एक प्रोफाइल है जी, मेरी एक ये प्रोफाइल है, आप नजर आ रही है सबको? ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी मैंने $5,156 इतने मैंने अर्न किए हैं। उसमें मेरी दो प्रोफाइल जो है वो मेरी गलती की वजह से मेरी दो प्रोफाइल डिसेबल, मैं लेवल टू था, एक में मेरे अबव 4,000 थे और एक में अबव 3,000 थे डॉलर्स, तो मेरी दो प्रोफाइल जो है वो सस्पेंड हुई हैं वो मेरी गलती की वजह से, तो अगर वो चलती रहती तो ये जो है ना, सॉरी मैं वॉइस को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अब आ रही है वॉइस ठीक? वॉइस आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है सर। ठीक है ये मैंने जस्ट एज अ मोटिवेशन आपको शो करवाया कि फाइवर इज नॉट अ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहे फाइवर से अर्न कर सकते हैं, जितना चाहे। अगर मैं कहूँ कि आप एक मंथ में 2 लाख 3 लाख इवन 10 लाख भी कमाना चाहें तो आप कमा सकते हैं। आप ये सब आपकी विल पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, कितनी पॉलिश स्किल है आपकी, और आपकी कैटेगरी के डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में सेल करना चाह रहे हैं, क्या कौन सी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं। और मैं आपको अपनी अपवर्क की प्रोफाइल
शो करवाता हूँ। असल में मैं ये आपको जो करंट प्रोफाइल शो हो रही है, ये मेरी वो प्रोफाइल है जो मेरे लैपटॉप पे है, ठीक है। इसके अलावा मेरे साथ जो एक सिस्टम पड़ा हुआ है मेरे घर में, एक मतलब एक अपवर्क की, एक फाइवर की, वो प्रोफाइल मेरी इधर लॉग इन है और ऑफिस में यह रहता है, ठीक है। तो मैं दो एट अ टाइम दो तीन तीन प्रोफाइल रन करता हूँ। उसके अलावा एक प्रोफाइल मेरी, मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्रोफाइल मेरी ये है, इसका मैंने स्क्रीन शॉट लिया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे इसको लॉग इन नहीं कर सकता सेम पीसी पे। इस पे आप देखेंगे कि अर्निंग इन जून $623, ठीक है। मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो $50 है और एक्टिव ऑर्डर जो है मैंने $905 के मेरे एक्टिव ऑर्डर है। मेरी ये एक है प्रोफाइल, इस पे मेरे जो पेंडिंग क्लियरेंस पे है $287 और विड्रा जो मैंने करे हैं वो $1800। तो इस आपको ये दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आप जरा इससे मोटिवेट हो और आपको जो है ना वो काम करने के लिए, या आपको जरा वो क्या कहते हैं इसके मोटिवेशन हो के अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। स्क्रीन का इश्यू आ रहा है कुछ लोगों को, अभी अभी शो हो रही है। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों के साथ, स्क्रीन ऑन है मेरी, खाली कंफर्म करिएगा कि स्क्रीन जो है वो सब कुछ शेयर हो रही है। सर स्क्रीन शो हो रही है, आपकी अपवर्क की प्रोफाइल नजर आ रही है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। अच्छा अपवर्क की प्रोफाइल, ये मेरी एक प्रोफाइल है जो मैं, जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है मेरे नेम से, और ये है जो अप्रूव प्रोफाइल है। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं लाइक यहाँ पे जब मेरा 90 सक्सेस रेट था तो मैं टॉप रेटेड था, अभी ये 89 हो गया एक बैड रिव्यू की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने 1000 प्लस अर्न किया हुआ है अपवर्क से, जो कि ये मेरी एक प्रोफाइल है। इसके अलावा मेरी एक प्रोफाइल है, तो इसमें एक 150 का, एक 10 का, फिर 75, फिर 200, 324, इस तरह से मैंने प्रोजेक्ट्स अपवर्क पे कंप्लीट किए हुए हैं। और मैं रेगुलर काम भी नहीं करता फ्रीलांसिंग साइट्स पे लाइक अपवर्क पे, क्योंकि और बहुत सी मसरूफियात होती हैं। तो यहाँ पे जो जिसने काम करना है उसके लिए ये है कि वो ज़रूरी है कि वो बैठा रहे इधर, के वो जब कोई प्रोजेक्ट पोस्ट हो तो वो उस पर वीडियो। अभी हम अपवर्क को डिस्कस नहीं करेंगे, हम जाते हैं अभी हम जाते हैं फाइवर की तरफ, ठीक है। तो आप लोगों को सर्विस कौन सी प्रोवाइड करनी है, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई है सबको। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं, सेटिंग अप अ प्रोफाइल, योर फाइवर प्रोफाइल। आपने, आप में से किसी किसने अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी की हुई है, क्रिएट या की बनाई हुई कोई है? जी सर्विस जो है वो आपने कौन सी प्रोवाइड करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि हर बंदे का अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो अपने हिसाब से चीजें लर्न करता है। फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है वो ज्यादा कंटेंट राइटिंग को प्रेफर करती है, लाइक मैंने जैसे देखा है वो कंटेंट राइटिंग उनकी ज्यादा अच्छी होती है, वो कंटेंट राइटिंग करते हैं। बॉयज कुछ होते हैं वो ग्राफिक्स में जाते हैं, कुछ होते हैं वो वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट में जाते हैं। इस तरह से डिफरेंट चीजें होती हैं जो क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट और इस तरह से उन्होंने इस चीजों को देखना होता है कि वो कौन सा जो है ना वो काम कर सकते हैं इजीली, कौन सी स्किल वो सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, वो उसको फाइवर पे जो है ना वो सेल आउट करना चाहते हैं, ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ना कौन सा जो है वो अपनी सर्विसेज सेल करनी है। अच्छा सेटिंग अप योर फाइवर प्रोफाइल, इसका मतलब है कि आपने अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल है वो कैसे कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको जैसे अपनी प्रोफाइल का बताता हूँ। अच्छा आज है हम प्रोफाइल में, लाइक आपने लाइक प्रोफाइल बना ली, ठीक है। अब प्रोफाइल बनाने के बाद कुछ चीजें होती हैं जो आपने क्या कहते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपने इसको कंप्लीट करना होता है। लाइक ये कि अब जब प्रोफाइल इसमें आते हैं तो आपने सबसे पहले
जब प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, आपको ये पेज शो हो जाएगा। ठीक है, इस पेज को जब इस पेज पे आ जाएंगे तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी इमेज लगाएं। ठीक है, अपनी नहीं तो कोई एक अच्छी सी इमेज, फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी इमेज लगाएंगे। अच्छा, फाइवर क्रिएट अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ चीजें माइंड में रखना बड़ी जरूरी है। लाइक अगर आप फाइवर का यूजर नेम तो कोई भी रख सकते हैं, कोशिश करें कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है वो रियल हो, क्योंकि कल को जाके अगर फाइबर आपको बोले कि हमें आप जो है ना वो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स या ये चीज़ें या चीज़ें प्रोवाइड करें, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप किसी कोरे के नाम से या किसी फीमेल के नाम से अगर वो प्रोफाइल बनाएंगे तो इन केस ऑफ वेरिफिकेशन हो सकता है कि आपके लिए वो मुश्किल हो जाए वो चीज़ें प्रोवाइड करना। वैसे होता नहीं है, वेरिफिकेशन वो मानते तो नहीं है, बट टाइम बाय टाइम क्या हो रहा है कि फाइवर मोर रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है। वो इन चीजों को आप जो है ना वो देखना शुरू कर दिया उसने कि कौन सी प्रोफाइल्स जो है फेक हैं, कौन सी रियल है, तो इस तरह से। अच्छा, प्रोफाइल क्रिएट होगी, आपने यूजर नेम रख लिया, सारा कुछ हो गया, नेक्स्ट आ गया सेटिंग अप अ प्रोफाइल। तो आपने आना है, सबसे पहले अपना इमेज लगाना है। इमेज लगाने के बाद आपने यहाँ पे एक टैग लाइन लगा देनी है छोटी सी अपने उसके हिसाब से, अपने सर्विस के हिसाब से। ठीक है, देन आपने आना है, आपने अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगानी है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने बारे में आपने कुछ लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इसका आइडिया आप ले सकते हैं, फाइबर की प्रोफाइल्स को ओपन करें, वहां से देखें कि आपकी सर्विस के रिलेटेड जो है वो सर्विस के रिलेटेड जो है जो प्रोफाइल्स बनी हुई है उन्होंने अपनी प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने वो पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं लाइक फाइवर पे अगर मैं हूँ यहाँ पे, तो आपने कैसे देखना है कि मेरी सर्विस के रिलेटेड कौन कौन से लोगों ने क्या क्या चीजें पुट करी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आए तो आप सर्च करें लोगो डिजाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम में से कोई बंदा लोगों की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसने अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है, तो वो क्या अपनी प्रोफाइल पे लिखे, तो आप क्या करें कि यहाँ पे ये जो यूजर नेम टॉप पे शो हुए हैं इनको आप 2-3-4 को ओपन कर लें। ठीक है, आपको उनकी प्रोफाइल शो हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने टैग लाइन कैसी लिखनी है या आपने डिस्क्रिप्शन कैसे, आपने कॉपी पेस्ट की करना है। एक बात बड़ी बड़ी माइंड में रखनी है आपने फाइवर पे काम करते हुए, कि फाइबर का इमेज बनाते हुए, फाइबर की प्रोफाइल बनाते हुए, फाइबर की डिस्क्रिप्शन बनाते हुए कोई चीज़ भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपने अपनी लिखनी है। आप आइडिया ले सकते हैं बट आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। स्क्रीन इशू आ रहा है, सॉरी स्क्रीन, ठीक है मैं स्क्रीन का इशू रिजॉल्व करता हूँ जी। स्क्रीन मेरे ख्याल में मैंने प्राइवेट विंडो ओपन करी है तो उस वजह से अभी स्क्रीन शो हो रही है सबको, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ इसके साथ, जूम के साथ ना, तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसको कैसे इस पे काम करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अगर आपने देखना है कि मेरी सर्विस के रिलेटेड जो फाइवर पे प्रोफाइल बनी हुई है उन्होंने अपनी प्रोफाइल में और ये चीजें कैसे ऐड करी हुई, तो आप अगर देखें लोगो डिजाइन पे आए तो लोगो डिजाइन के आप जब सर्विस को या उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ से 3-4 जो है ना टॉप के प्रोफाइल्स हैं उनको आपने ओपन करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन को आपने रीड करना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं जी प्रोफाइल को। अच्छा, स्विच टू प्रोफाइल, अच्छा प्रोफाइल पे आ गए। अच्छा, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के बाद ये चीज़ें आती हैं, आपने यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस ऐड करनी है। ठीक है, मैंने इंग्लिश कन्वर्सेशनल ऐड की हुई है, उर्दू मेरी नेटिव और नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी मेरी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है बट मैं बहुत अच्छे से हिंदी जो है वो पढ़ सकता हूँ और उसको क्या कहते हैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, पंजाबी भी फ्लुएंट। ठीक है, उसके बाद अगर टेस्ट आपने लेने हैं, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, पढ़ने के लिए कर दें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा टेस्ट का, और इन स्टार्ट में अगर आप टेस्ट एज अ बिगिनर हैं तो मेरे ख्याल में आपको टेस्ट नहीं देना चाहिए। यहाँ पे अगर आप बेसिक टेस्ट इंग्लिश का टेस्ट दे देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आपके लाइक सर्विस के हिसाब से आपने जो है इसमें टेस्ट पास करते जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि आपके बैच लगते जाएंगे कि आपने ये टेस्ट पास किया हुआ, ये टेस्ट पास किया हुआ। इसका ये फायदा होता है कि
कल को कोई क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा तो उसको पता होगा कि यार इस बंदे ने फला अपना टेस्ट पास किए हुए हैं, तो वो ये एक अच्छा उसके इमेज बनता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा सा प्रोफेशनल है, इसने फला अपना टेस्ट भी पास किए हुए हैं, इसने लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में ये बात कर सकता है, उसने ये भी ऐड किया हुआ है, ये क्या क्या काम करता है, इसने प्रोफाइल में ये भी ऐड किया हुआ है, ये चीज़ें। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं लिंक्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो आप अगर आपका फेसबुक का पेज बना हुआ है, गूगल का, ट्रिपल का, स्टैक ओवरफ्लो का, बिहांस से, गिटहब, जो भी है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है अगर आपके पेजेस हैं तो यानी टेस्ट पास ना हो तो कोई इशू नहीं है, ये अगर टेस्ट आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अगर आप जब आप टेस्ट देंगे तो जब टेस्ट चल पड़ेगा, ठीक है, फिर आप उसको आपको उसको कंप्लीट करना लाजमी है, ठीक है, जब वो कंप्लीट होगा तो वो आपको स्कोर दे देंगे कि आपका 10 मैक्सिमम, सॉरी 5 स्कोर होता है, कोई 10 होता है, कोई 5 होता है, तो आपको वो बताएंगे कि अभी आपका 8.4 आया है, 8.9 आया है, या 8 आया है, या कुछ ऐसा। तो टेस्ट आप तभी करें जब आपको लगे कि हाँ मैं आप ये पास कर सकता हूँ, तो फिर आप टेस्ट को जो है ना वो करें, अगर ज़रूरी नहीं है आप टेस्ट को पास करें, ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं स्किल्स, ठीक है, आपने अपनी लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी फाइवर प्रोफाइल में आप अपनी स्किल्स ऐड करनी है, जैसे मैंने ऐड की हुई है वर्डप्रेस डेवलपर, क्योंकि मैं स्टार्ट में एज अ वर्डप्रेस डेवलपर काम कर रहा हूँ इस पे, तो मैं जो है वो मैंने अपनी चीज़ें ऐड की हैं लाइक वर्डप्रेस डेवलपर। और ऐसे अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप क्या करेंगे, कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और ये चीज़ें जो है ना वो आप यहाँ पे जी नहीं, इंग्लिश राइटर टेस्ट जरूरी, टेस्ट कोई भी ज़रूरी नहीं है, टेस्ट कोई भी ज़रूरी नहीं है, आप टेस्ट ना भी पास करें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आप अपनी स्किल्स जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी स्किल्स हैं आपकी, कोई भी स्किल्स हैं जिसमें आप काम करने जा रहे हैं फाइवर पे, आपने यहाँ पे वो अपनी स्किल्स ऐड करनी है, ठीक है। देन आ जाता है एजुकेशन, ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो ना ऐड करें, कोई इशू नहीं है, ये सारी चीज़ें जो प्रोफाइल पे ये सारी ऑप्शनल है, अगर आप इनको ऐड कर देंगे बहुत, अगर ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर नहीं ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करेंगे अच्छा ये हो जाएगा, कस्टमर जब आएगा उसको पता होगा कि आपने एजुकेशन क्या कंप्लीट हुई है, तो सर्टिफिकेशन है आपकी, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इसी तरह से आपने जो है वो अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है वो सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है, सेटिंग में जब आएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ड करी हुई है, अगर मैंने प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ड ना की होती तो यहाँ पे क्या वो मुझसे डिफरेंट चीज़ें पूछता, ठीक है। अब हाँ जी, सेटिंग में मेन चीज़ जो है, मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे आपने अपना फ़ोन वेरिफिकेशन, ठीक है, आप जब प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वो आपसे बोलेगा कि अपना फ़ोन ऐड करें, ठीक है, जब आप फ़ोन ऐड करेंगे तो आपको फ़ोन का ये है कि जब भी आप किसी नई डिवाइस से या किसी नए पीसी, लैपटॉप, मोबाइल से अपने अकाउंट को एक्सेस करेंगे तो जो आपने फ़ोन नंबर लगाया होगा उस पर OTP आएगा, OTP कोड मीन्स वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, उस पर वो कोड आएगा, जब वो कोड इंटर करेंगे देन आप उसको लॉग इन कर सकेंगे इसको अकाउंट को, तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप अकाउंट का पासवर्ड या कुछ भूल गए हैं, कुछ ऐसा इशू हो गया कि वो अकाउंट का आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा या लॉग इन नहीं हो रहा, तो आपको क्या है वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाते हैं कि लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट करूँ फॉर एग्जांपल, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना आंसर लगाना है मेरे फर्स्ट पेट का नेम क्या था, ठीक है, इसको मैं जब सेव कर दूंगा फ्यूचर में मेरे काम आएगा कि फॉर एग्जांपल मैं कभी पासवर्ड भूल जाता हूँ या कुछ भूल जाता हूँ तो ये मुझे वो मुझसे ये पूछ लेगा कि आपने ये क्वेश्चन लगाया था अब आप इसका आंसर दें, ठीक है, तो वो कल को मुझे इसको जो है ना वो ईजी हो जाएगा अगर मुझे कोई मसला होता है, तो ये बेहतर इसकी ये बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपने जो चीज़ें इसमें ऐड करी हैं उसको सेव कर लें, ठीक है, उसको एक टेक्स्ट फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल में, शीट में, गूगल शीट में, कहीं भी ये सारी चीज़ें जो है आपका पासवर्ड हो गया, आपकी ईमेल होगी, आपने फ़ोन नंबर कौन सा लगाया है, आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन कौन सा ऐड किया है, ये चीज़ें आप सेव कर लें, अपने माइंड पे रिलाय नहीं करना, फिर दो दिन के बाद आप भूल जाएंगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, फिर जो है वो इशू होएगा कि हमें ये चीज़ें जो
हमें मिलेंगे नहीं, फिर हम ढूंढते फिरेंगे यार मैंने पता नहीं नंबर कौन सा लगाया था ये ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो चीज़ें सेट करनी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल करें, अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है। लाइक कंपनी का नाम क्या, आपका नाम क्या, कंट्री कौन सी है, सिटीज, ये सारी चीज़ें ठीक है। और बाकी जो इसमें चीज़ें आती हैं लाइक आपने अपना बैंक कैसे ऐड करना, ये चीज़ें कैसे ऐड करनी है, लाइक आपका ऑर्डर आ गया आपने कंप्लीट कर लिया तो पैसे पाकिस्तान बैंक में कैसे निकालने हैं, ये चीज़ें कैसे करनी है, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम किसी फर्दर जो होगा हमारा सेशन उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर होगा, पहले तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं ये हम क्लियर करेंगे इस क्लास में, तो उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे जी। फर्दर चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। सो व्हाट इज केक? अच्छा जी, सेटिंग अप प्रोफाइल आप सबको समझ आ गई है, काइंडली क्लियर कर दें अगर आपको समझ आ गई है कि आपने प्रोफाइल को कैसे सेटअप करना है। अगर आपको कोई इशू है, अगर आपको समझ नहीं आई तो सिंपल ऑप्शन ये है कि आप ये इसको रिकॉर्डिंग को करने के बाद जो है वो आप YouTube पे जाएं, वहाँ पे आप जाके देखें कि प्रोफाइल को कैसे सेटअप करना है, तो आपको जो है ना वो जी आप एक जी मैं मल्टीपल कैटेगरीज की जी बिल्कुल ठीक। आप क्या कर सकते हैं कि एक कैटेगरी पे लाइक मैं वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं ठीक बना सकता हूँ, वो इशू नहीं है, बट फाइवर यही रिकमेंड करता है कि आप एक कैटेगरी पे एक से ज़्यादा गिग्स ना बनाएं। बट हम लोग बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, बड़ी देर से बनाते आ रहे हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, बना सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज पे गिग बना सकते हैं, एक कैटेगरी पे मल्टीपल गिग्स भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बना सकते हैं जी। आप ये काम नहीं कर सकते कि सेम कैटेगरी पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं, मल्टीपल अकाउंट्स तो फाइवर अलाउ ही नहीं करता। मेरा एक अकाउंट इसी वजह से ब्लॉक हुआ था कि मैंने गलती से कस्टमर सपोर्ट में ये लिख दिया था कि मेरा प्रीवियस अकाउंट जो है वो डिसेबल हुआ है, तो मैं उसका पायनियर न्यू अकाउंट के साथ अटैच कर सकता हूँ कि नहीं। उन्होंने ये सुनते ही मेरा लेवल टू का अकाउंट चट से ऐसे सस्पेंड कर दिया उन्होंने, मतलब कि वो अगर उनको पता चल गया कि आप मल्टीपल अकाउंट्स रन कर रहे हैं तो वो आपका अकाउंट पक्का उड़ाएंगे। आप सेम आईपी पे मल्टीपल अकाउंट्स कभी भी नहीं यूज़ करने, एक पीसी पे मल्टीपल अकाउंट्स कभी भी नहीं यूज़ करने, क्योंकि ये रिस्क है और रिस्क ये किसी टाइम भी आपका अकाउंट उड़ा सकते हैं ठीक है। इन्होंने आपको ना वार्निंग देनी है ना कुछ करना है, आपका अकाउंट उठ जाएगा जी। ये जो है ना क्वेश्चन का सेशन इंशाल्लाह जो एंड में है ना इसको रखेंगे, क्लियर करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज कीक? इसकी तरफ मूव करते हैं जी, कीक क्या है? अच्छा जी, मैं आपको ये चीजें बता दूं। अच्छा जी, कीक व्हाट इज कीक? अच्छा जी, गिग के बारे में देखते हैं। अच्छा, गिग होती है जी सर्विस, गिग मतलब सर्विस। आप एज अ बिगिनर ठीक है, आप जो है ना फाइवर पे 7 गिग क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप 7 जो है वो 7 जॉब्स, 7 सर्विसेज ऑफर कर सकते, सर्विसेज नहीं जॉब्स ऑफर कर सकते हैं। लाइक गिग का मतलब होता है एक जॉब या एक सेट ऑफ सर्विसेज कह लें लाइक ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं एज अ बिगिनर, अपनी आपकी फ्रेश प्रोफाइल है तो उस पे आप जो है वो 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं ठीक है। मैं अभी ये मेरा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है तो मैंने इस पे अभी 2 गिग्स क्रिएट करी है, तो इंशाल्लाह मैं फर्दर जो है ना गिग पे सर्च करके तो मैं नेक्स्ट इसको फिलअप करूंगा। अच्छा जी, अगर आप आ जाए गिग्स क्या होती है सर, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रीलांसर या कोई बंदा या कोई क्लाइंट आया, उसने लोगो लेना है ठीक है। अब वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे सर्च करेगा, उसको आप लोगो डिजाइन के रिलेटेड कितने रिजल्ट शो हुए हैं, 1,08,327 रिजल्ट उसको शो हुए हैं कि लोगो डिजाइन जब उसने लिखा है तो उसने बताया है कि 1,08,327 लोगों ने इस कीवर्ड के ऊपर गिग बनाई हुई है, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अच्छा, ये आपके पास जो रिजल्ट शो हो रहे हैं ये है गिग्स ठीक है, ये है गिग्स, गिग्स का मतलब ऑफर। अच्छा जी, अब इसको ओपन करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज ऑफर कर रहे हैं ठीक है जी। ये सब ये जो रिजल्ट शो हुए हैं ये सारे लोगो डिजाइनिंग के रिलेटेड लोग हैं जो लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं फाइबर पे, तो उनकी गिग्स जो है वो हमें फर्स्ट पेज पे शो हुई है। लाइक फर्स्ट पेज के और फर्दर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पेजेस
सकते हैं तो आप उसको सपोर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये फर्स्ट पेज पे कैसे शो हो रही है, क्यों शो हो रही है, ये कीवर्ड क्या है, लोगो डिजाइन क्या है, इन चीजों को हम जी फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी गिग, गिग वर्ड है जी, गिग, गिग्स मतलब एक से ज्यादा होगी तो गिग्स होगी, एक होगा तो एक अगर होगी तो वो गिग होगी। गिग का मतलब होता है जॉब या कुछ भी कह लें आप, सर्विस कह लें। ठीक है, अच्छा जी देखें, अब हमने इस बंदे को ओपन किया तो आप देखेंगे ये कह रहा है कि आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल लोगो इन 4 आवर्स। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस बंदे ने जी 392 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, इसका बेसिक ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है जी $10 से, उसमें क्या दे रहा है, टू इनिशियल कॉन्सेप्ट्स, लोगो ट्रांसपेरेंसी, हाई रेजोल्यूशन और 3D मॉकअप। स्टैंडर्ड पे अगर जाए वो बोल रहा है कि 2 लोगो दूंगा, JPG, PNG और वेक्टर फाइल भी दूंगा। अगर प्रीमियम पे जाए तो वो कह रहा है कि ये चीजें आपको दूंगा। ठीक है, वन डे डिलीवरी होगी। ठीक है, और ऐसी चीजें। और ऑर्डर इन क्यू अगर आप देखें तो ये क्या है कि करंटली इस बंदे के पास 19 ऑर्डर चल रहे हैं। ठीक है, अभी 19 ऑर्डर इसके रनिंग में है, उसमें 19 ऑर्डर हो सकता है को 5 ऑर्डर $30 के हों, ऐसा भी हो सकता है कि 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर जो है वो $100 के हों, क्योंकि जब क्लाइंट आता है तो उसका बजट स्पेसिफिक नहीं होता। समटाइम वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम पे करता है, समटाइम्स वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा पे करता है। तो जब जो सेलर होता है वो निगोशिएट करता है बायर के साथ कि आपका बजट क्या है, आप करवाना क्या चाह रहे हैं, जो काम करवाना चाह रहे हैं इसकी ये प्राइस है, मैं आपको ये चीज़ें ऑफर करूंगा। तो प्राइस डिपेंड करती है आप करके क्या देंगे, कितने टाइम में करके देंगे, किस क्वालिटी का काम करके देंगे। ठीक है, अच्छा अगर आप देखें तो इसके 19 ऑर्डर जो है वो इस वक्त रनिंग में है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसको आपको पता चल जाएगा कि 2 डेज अगो इसने एक ऑर्डर डिलीवर किया है, 1 दिन पहले इसने ऑर्डर डिलीवर किया है, 3 दिन पहले किया है, 4 दिन पहले किया है। अगर अब इसी तरह देखते जाएंगे तो हो सकता है इसके इस मंथ में 30, 40, 50 ऑर्डर तो इसने इस मंथ में डिलीवर किए हों। ठीक है, तो ये होती है कि जो आप सर्विस ऑफर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बंदा जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आई विल डू 3 यूनिक मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। तो अगर आप ये देखें तो 142 ऑर्डर्स इन क्यू है, क्यू का मतलब अभी रनिंग में है जिन पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि $65 उसकी स्टार्टिंग प्राइस है, मिनिमम से मिनिमम ऑर्डर वो जो ले रहा है वो 65 है, स्टैंडर्ड उसकी 105 है और उसकी प्रीमियम जो 175 है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये देखें, ये गिग जो है ये उसकी सर्विस है, ये जो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सारा कुछ लिखा और ये सारी चीजें। अच्छा जी, आपको क्लियर हो गया कि गिग क्या है तो काइंडली कंफर्म कर देते हैं हम फर्दर मूव करें। जस्कीम या सेकंड में एक मैसेज करो। एक मिनट जी, मैं जरा एक रिप्लाई कर लूं। जस्कीम या सेकंड प्लीज। जी, मैं ये आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगा, ये आपके साथ स्लाइड शेयर जो है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा और कुछ चीजें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, स्क्रीन सबको विजिबल है, काइंडली क्लियर कर दें। अच्छा जी, सब लोगों को समझ आ गई है कि गिग क्या होता है, गिग की समझ आ गई है कि क्या होता है।
ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड हमने सर्च किया है उसके अगेंस्ट जो हमें रिजल्ट शो हुए हैं ये असल में सारी गिग्स हैं, ठीक है। एक पेज पे 40 गिग्स शो होती हैं, 40 जॉब्स शो होती हैं, ठीक है। तो ये सारी गिग्स हैं। जी जी आप एक टाइम में 7 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। जब आप जाते हैं उस पे, जब आपका लेवल 2 हो जाता है तो आप अप टू 10 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, और जब आपका लेवल टॉप रेटेड हो जाते हैं तो देन आप उसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। जी व्हाट्सएप नंबर तो मुश्किल ही है, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर मैं अब फायजा से इनसे बात कर लेंगे कि कुछ ऐसा कोई सपोर्ट टाइप कोई ग्रुप व्हाट्सएप पे क्रिएट कर दें, तो वहाँ पे ही जो है ना वो सब लोग क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे ही आंसर होगा। क्योंकि वहाँ पे ये होगा कि जब आप उसको करेंगे तो एक का क्वेश्चन होगा तो मे बी दूसरे का भी वही हो, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी एसईओ पे भी काम करते हैं और लाइक फ्रीलांसिंग तो काफी चीजें। सर सॉरी अभी बात कर रहा हूँ, बीच में हमारा ना एक फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, मैं इसमें आपको ऐड कर देता हूँ, तो इन लोगों को भी मसला हो सकता है वहाँ पे स्क्रीनशॉट या कोई भी टेक्स्ट वगैरह पोस्ट वहाँ पे करते तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वो टास्क वगैरह आप इनको देना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, और कुछ इनको टास्क दें ताकि अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करें, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल से स्क्रीनशॉट डालें ताकि आपको आइडिया हो कि ये आपको सीरियस ले रहे हैं या सीरियस ले भी नहीं रहे। जी सॉरी मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का सर को टास्क इनको दें। नहीं नहीं वो सारी चीजें वो मेरे माइंड में है, वो सारी चीजें मैं इनके साथ शेयर करूंगा। वो चीजें टेम्पलेट से कुछ चीजें मैंने बना के ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो इनके लिए इजी हो जाएंगी। इनको टास्क देंगे, जब ये टास्क फिनिश करेंगे देन ही हम फर्दर वही ऐड लोग करेंगे इसमें ऐड करेंगे जो है जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो अच्छा जी सबको गीक की समझ आ गई है गीक क्या होती है, देन हम फर्दर मूव करें। जी ठीक है अच्छा जी फर्दर मूव करते हैं जी लाइक ओके क्रिएटिंग योर फर्स्ट गिग, ठीक है। क्रिएटिंग योर फर्स्ट गिग तो गिग क्रिएट करने के लिए कौन सी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट तो होता है उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन, देन आपने प्राइस क्या रखनी है, और देन गिग इमेज एंड वीडियो और ये चीजें। अच्छा जी गिग क्रिएट करने के लिए सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने चाह रहे हैं और फाइवर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अपनी गिग दिखा दूं, अगर आप देखें तो अगर मैं गिग्स में आऊं मैंने यहाँ पे 2 गिग्स क्रिएट की हुई है जिस पे मुझे इनिशियल ऑर्डर्स जो लगे हैं वो रिव्यूज जो मे बी यहाँ पे शो हो रहे हो, यहाँ पे मेरे 2 रिव्यूज हैं जी, यहाँ पे मेरे 9 रिव्यूज हैं, और ये बहुत काम है क्योंकि ये अकाउंट ये गिग्स जो है ना मैंने इसी मंथ बनाई है, ठीक है। तो इसलिए इस पे अभी इतना काम नहीं है, इंशाल्लाह ये फर्दर ग्रो करेगी इन फ्यूचर। मैं आपके साथ ये चीजें यही अकाउंट में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कैसे ग्रो हुआ है, आपके सामने शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा गिग असल में गिग क्या होता है, गिग को आपको गिग की समझ आ गई, आपको ये आइडिया हो गया कि आपने सर्विस कौन सी सेल करनी है। बिफोर गोइंग टू क्रिएट एन गिग आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि आपने सर्विस कौन सी सर्विस कौन सी है वो आपने अपनी ऑफर करनी है फाइवर पे। तो जब आपको ये चीज क्लियर होगी कि आपने सर्विस कौन सी ऑफर करनी है, अब सारी चीजें आपको क्लियर होगी तो रेडी है अब आप गिग को अपनी सर्विस को फाइवर पे ऑफर करने के लिए। तो आपने क्या करना है लाइक आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपने गिग्स में आना है, गिग्स में आने के बाद आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू गिग फॉर एग्जांपल मैं डमी गिग क्रिएट करूंगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। गिग को क्रिएट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो आपका होता है गिग का टाइटल, गिग के टैग्स और गिग के डिस्क्रिप्शन। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और ये चीजें आप रिसर्च करके इसको अच्छे से ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो है वो आपकी गिग जो है वो रिजल्ट्स में अपीयर नहीं होगी, ठीक है। अपीयर मतलब जब आपके आपके
स्किल के रिलेटेड या आपकी सर्विस के रिलेटेड कोई अगर कोई क्लाइंट आएगा जब उसको सर्च करेगा ठीक है, तो रिजल्ट्स जो शो होंगे तो उस रिजल्ट्स में आपकी भी शो नहीं होगी अगर आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स पे अच्छी तरह से काम ना किया तो आपकी लीक शो नहीं होगी। अच्छा जी, मेरा मेथड क्या है गीक क्रिएट करने का? मेरा मेथड बड़ा ही सिंपल सा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। एक मिनट, अच्छा जी आपको मेरी ये शीट जो है वो शेयर हो रही है, स्प्रेडशीट? नो, एक मिनट जी मैं इसको शेयर करता हूँ। शेयर जी। अच्छा ये चीज मल्टीपल, अच्छा स्क्रीन शेयर पे जाऊं तो सारी चीजें, अच्छा अभी हो रही है शेयर, पहले बताइएगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी अब हम जा रहे हैं की क्रिएट करने, तो उसमें अगर मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मैं यहाँ पे जी ऑफर करने चाहूँ वर्डप्रेस वेबसाइट की, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मैं प्राइवेट पे ओपन करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये ना हो मैं करता जाऊँ और आपको स्क्रीन ही नजर आए। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे मेन चीज होती है कीवर्ड रिसर्च बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है की क्रिएशन में। जब तक आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं होगी आप एक अच्छी कीक नहीं बना सकते, ठीक है। कीक क्रिएट, अच्छा कीक बना लेंगे हम, पर कीक जो है ना, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, देन इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा कीक बनाएंगे जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी है मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन में, ठीक है जी। आपने ये मैं अपना कर रहा हूँ, आपने इसको अपना करना है, ठीक है। आपने जो आप सर्विस सेल करेंगे या जो आप सर्विस ऑफर करेंगे, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे पहले। अच्छा जी सॉरी, अच्छा जी मैं फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ठीक है, तो आपने कीवर्ड अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग आपने सर्च करने हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, आपने सेम मेथड को फॉलो करना है जो मैं मेथड फॉलो करूँगा। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की, ताकि ये जब बाद में करें तो इनको पता हो कि ये वीडियो को इसको जी। ठीक है। अच्छा जी मैं फॉर एग्जांपल मैं बेसिक जो काम है मेन जो की क्रिएट करने का जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च आपने जब आप अपने टाइटल को, अच्छा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लो कॉम्पिटिटिव नीच में जाएं, जहाँ पे लोग जो है वो कम काम कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे हमने पीछे जब हमने देखा कि जब हमने लोगो डिजाइन को सर्च किया तो वहाँ पे 1,00,000 से ज्यादा रिजल्ट शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं, ये नहीं कि चांसेस नहीं है, पर बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ पे आपकी जो है वो वहाँ पे टॉप पेजेस में आए और वहाँ से आप काम लें। मतलब ये है कि 1,00,000 लोगों ने ऑलरेडी उस पर गिग्स बनाई हुई हैं, तो बड़े कम चांसेस हैं कि आप वहाँ पे उस कीवर्ड पे गिग बना के और रिजल्ट्स में अपीयर हों, ठीक है, और जो है ना वो वहाँ से ऑर्डर स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जी, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि अगर आपने इनिशियली ऑर्डर आपने लेने हैं स्टार्ट में
स्टार्ट स्टार्ट आप जब काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपने स्टार्ट से ऑर्डर लेने हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप लो कम्पिटिटिव नीच में जाएं, ठीक है। लो कम्पिटिटिव नीच के यहाँ पे कंपटीशन कम हो, जहाँ पे लोग जो हैं वो सर्विसेज उस कीवर्ड पे सर्विसेज कम सेल कर रहे हैं, और वहाँ पे आपने कैसे देखना है कि यहाँ पे लोग सर्विसेज तो कम शेयर कर रहे हैं, अगर यहाँ पे काम भी आ रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह जो है ना वो फर्दर स्टेप्स में आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। अच्छा जी, पहले तो ये कि आप जब लिखेंगे यहाँ पे अपना कीवर्ड, लाइक मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, तो ये जो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं आपने इनको जी स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है ऑनलाइन कोर्सिया, ठीक है, ऑनलाइन ओसीआर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप इस आप इमेज को लोड करके मैंने पेस्ट किया, ठीक है, इमेज को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट के ऊपर जो आपके इमेजेस लिखे हुए हैं वो उसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट इमेज को, ठीक है। सर्विसेज वेब डिजाइन वर्डप्रेस, अच्छा वेब्स को उसने पता नहीं इसको थोड़ा सा कर दिया, अब मैनुअली भी राइट कर लें तो इतना इशू नहीं है, लाइक इसको में भी थोड़ा सा कोई इशू हो गया है, तो आपने क्या करना है, मेन बताने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे कुछ चीज़ अपना कीवर्ड सर्च करेंगे तो ये जो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं इसको आपने कॉपी करके अपनी फाइल में ऐड कर लेना, लाइक मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मेरा ये कीवर्ड है, मैंने एक शीट बनाई हुई है, ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जी, ये शीट मैंने इसमें कीवर्ड को ऐड किया, ठीक है, इसमें मैं क्या कहूँगा, मुझे मैंने ये लिखना है कि इस जो ये मेरा स्पेसिफिक इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोगों ने गिग्स जो है वो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे 74,000 जो है लोगों ने इस कीवर्ड पे गिग्स क्रिएट की हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो सजेस्टेड कीवर्ड शो होंगे, ठीक है, आपने उनको वन बाय वन चेक करना है, वन बाय वन यहाँ पे ऐड करके जो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आएंगे उसको आपने यहाँ पे शीट में ऐड करते जाना है। इतना क्लियर हो गया जी आप लोगों को, कर ली यस लिखते ताकि इसको फर्दर प्रोसीड करें। जी ठीक है, अच्छा जी, अब फर्दर क्या है कि यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ये कीवर्ड आ गया, सजेस्टेड कीवर्ड मैंने ऐड कर, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आप कीवर्ड के आइडियाज कैसे लेते हैं, एक तो सजेस्टेड कीवर्ड होते हैं उससे आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, एक होता है जब आप इसको ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट इसको ओपन कर लें, इसकी को ओपन कर लें, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप उस कीवर्ड पे या उस कीवर्ड को अपनी गिग में यूज करें जिस पे आपके पास लेस देन 1,000 रिजल्ट शो होते हैं, ठीक है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि अच्छा जी क्या एक्सप्लेन करूं, सॉरी कनेक्टिंग टू नो प्लीज एक्सप्लेन इट, क्या एक्सप्लेन करूं, सॉरी बताइएगा मुझे ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। जी SEO के बारे में बात करेंगे हम बाद में, पहले जो हम चीज कर रहे हैं पहले चीज को करते हैं, देन बाकी चीजें बाद में क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होगा उसमें करेंगे जी। अच्छा जी, आपने क्या किया, अब आपने कीवर्ड आइडियाज कैसे लेने हैं, कीवर्ड आइडियाज पहले तो ये आपके पास सजेस्टेड लिस्ट आ गई, आपने इनको इसको वन बाय वन लेके अपनी शीट में ऐड करना है, ठीक है। शीट में जब ऐड करेंगे तो आपको सारे कीवर्ड्स मैक्सिमम जितने आप अपनी नीच और होता है गिग और होती है, नीच मीन नीच तो ये है ना कि ग्राफिक डिजाइनिंग नीच है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में ब्रोशर डिजाइन हो गया, बिजनेस कार्ड डिजाइन हो गया, लोगो डिजाइन हो गया, बैनर डिजाइन हो गया, तो ये बड़ी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो आपने अपनी गिग जो आपने फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की गिग क्रिएट करने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके कीवर्ड लिखूंगा यहाँ पे शीट में ऐड करता जाऊंगा। और इसको दूसरा कैसे आइडिया आपने लेना है, जब आपको रिजल्ट शो होंगे तो आपने क्या करना है, टॉप की गिग्स को कर लेना ओपन, ठीक है, टॉप
ऑक्सीगी को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे जब आप आएंगे एंड में, वो एक गेम बार में खेलेंगे यार। अच्छा जी, यहाँ पे जब आएंगे हम रिलेटेड टैग्स में, तो यहाँ पे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो गिग अपीयर हो रही है रिजल्ट्स में, इसने अपनी गिग में कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स इसने अपनी गिग में चूज किए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन कीवर्ड्स को भी वन बाय वन ओपन करें, उसके कितने रिजल्ट्स हैं, क्या चीज है, उसको यहाँ पे ऐड करें। लाइक मैं यहाँ पे, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट बनाई हुई है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। बच्चे शोर कर रहे हैं, हाँ जी गेम कभी कभार संडे को खेलता हूँ जी मैं, गेम पबजी का शौकीन हूँ थोड़ा सा, पर खेलता संडे को, संडे के अलावा मैंने कभी गेम नहीं खेली। अच्छा जी, गिग रिसर्च में अगर आए तो यहाँ पे बेसिक्स है कि मैंने अपने लिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, तो मैंने लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे इस पे ना कीवर्ड रिसर्च करके मैंने रखी हुई है, और मैं जब इस गिग को बनाऊंगा तो मैं कौन सी कीवर्ड यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे अगर आपको शो करवाता हूँ। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए। अच्छा जी, कीवर्ड रिसर्च पे, अच्छा यहाँ पे मैंने देखे फॉर एग्जांपल, ये मैंने कुछ कीवर्ड रिसर्च करके रखी हुई है, लाइक वूकॉमर्स स्टोर जो है वो 1500 की रिजल्ट्स हैं, वर्डप्रेस वूकॉमर्स, और इस तरह से ये जो मैंने कीवर्ड रिसर्च करके रखी हुई है, इसको मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूँ शीट में तो आप बाकी को देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड फॉर एग्जांपल ये मेरी कीवर्ड रिसर्च होगी। ठीक है जी, क्योंकि मैंने वूकॉमर्स पे ऑलरेडी एक लिंक बनाई हुई है, तो मैं वूकॉमर्स पे नहीं जाऊंगा जी, मैं किसी और नीच पे जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चला जाता हूँ जी विक्स पे, फॉर एग्जाम्पल मैं विक्स की वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, विक्स के रिलेटेड अपने सारे, ये मैंने अभी अच्छे से कीवर्ड रिसर्च नहीं करी, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से मोटे मोटे से कीवर्ड्स हैं जो मैंने निकाले हैं, इसको जब फर्दर डीप डिग करेंगे, इसको फर्दर, इसको जैसे मैंने बताया कि आप ऐसे गिग्स ओपन करें, ठीक है, गिग्स ओपन करने के बाद जब आप इसको जाएंगे आगे, कीवर्ड्स जब ओपन करते जाएंगे तो उसमें आपको रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेंगे, जब उनको ओपन करेंगे तो उनमें रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेंगे, तो ऐसे आपने क्या करना है कि यूनिक कीवर्ड्स की ऐसे एक लिस्ट बना लेनी है आपके पास, एटलीस्ट कोई 20-30 कीवर्ड तो हो ना, ठीक है, जिसमें हाई वॉल्यूम वाले भी हों, लो वॉल्यूम वाले भी हों, आप अप टू 5 कीवर्ड्स जो है वो अपनी गिग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो कीवर्ड अपनी गिग में ऐड करने हैं जिनकी सर्चेस मेरे ख्याल में लेस देन 2000 तो हो ना, लेस देन, मैक्सिमम भी अगर आप ऐड करें तो लेस देन 2000 तो हो ना, क्योंकि मैंने एक एक्सपीरियंस किया है चीज को उस लास्ट कुछ दिनों में, कि मैंने एक गिग क्रिएट करी, उसमें मैंने लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को टारगेट किया, जब मैंने उनको टारगेट किया और उस पर मैंने जब 2-3 रिव्यूज बाय किए, रिव्यूज बाय करने के बाद जब मेरी गिग फर्स्ट पेज पे आ गई तो मुझे उससे 3-4 अच्छे ऑर्डर मिले, और मेरी वो गिग जो है वो अभी टॉप पे है, उस पर मुझे डेली बेसिस पे क्लाइंट्स जो है वो अप्रोच करते हैं। अभी भी मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया था, उसलिए मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी रिप्लाई कर लूँ, तो क्लाइंट्स जो है वो डेली बेसिस पे आते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, काफी क्लाइंट्स को ऑफर्स भी क्रिएट की हुई हैं, वो कहते हैं कि ऑर्डर करेंगे कुछ जो भी अपने इसको छोड़ें, तो मकसद ये बताने का, लो कंपटीशन नीच को टारगेट करेंगे, कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो है वो रिजल्ट्स में जल्दी अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी गिग जो है वो रैंक हो जाएगी तो डेफिनेटली आप ऑर्गेनिक सेल्स लेना स्टार्ट कर देंगे, जब सेल्स ऑर्गेनिकली आना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर जो है ना वो गिग आपकी नीचे चांसेस नहीं है कि वो जल्दी नीचे जाए, अगर आप अच्छे ऑर्डर लेते जाते हैं, आप अपने रिव्यूज को मेंटेन करते हैं, आप अपनी क्या कहते हैं उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, प्राइसेस को मेंटेन करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जी।
ठीक है जी, मैंने पहले बताया कि आपने कीवर्ड अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर नीश, अकॉर्डिंग टू योर गिग, अकॉर्डिंग टू योर सर्विस, आपने अपनी चीज़ों के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करनी है। ये तो मैंने एग्जांपल दी है आपको, ठीक है, मेथड मैंने आपको बता दिया है कि आप जब यहाँ पे अपना वो गिग के रिलेटेड ऐड करेंगे तो जो सजेस्टेड कीवर्ड आएंगे लाइक ये आ गया, इनको आपने वन बाय वन ओपन करना है। वन बाय वन ओपन करके इसको आपने यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको आपने लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट में आपने वो कीवर्ड जो है ना उनको हाईलाइट कर लेना है जिनकी जो सर्चेज है वो लेस देन 1500, लेस देन 1000 या लेस देन 2000 हो, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जितनी कम सर्चेज होंगी, ठीक है, उतना उस कीवर्ड का जो वो क्या कहते हैं पियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर, ठीक है, अब मेरे क्लाइंट का नहीं, ये मेरा अपना काम था, ठीक है, मैंने अपने लिए एक स्टोर बनाया। स्टोर पे मैंने जब उसको मैंने देखा यार ये मैंने स्टोर बनाया इसको मैं फाइवर पे देखता हूँ, इसका फाइवर पे गया तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने ये देखा कि 787 रिजल्ट्स हैं, विच मीन्स के कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, और मैं अंदाजा कैसे लगा सकता हूँ कि ये इस पे कंपटीशन कम है, इस पे काम भी आ रहा है, मैं अंदाजा इस बात से लगा सकता हूँ कि जब मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया तो आप देखेंगे कि जब मैंने गिग को ओपन किया तो इसने 20 ऑर्डर किए हुए हैं, ठीक है, इसने 120 किए हुए हैं और इसके 16 ऑर्डर क्यू में है, ठीक है, इसने जो 3 ऑर्डर किए हैं और इसका 1 ऑर्डर क्यू में है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैं इस कीवर्ड पे जब मैं गिग बना रहा हूँ, इस कीवर्ड को जब मैं गिग में ऐड कर रहा हूँ तो मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ से कुछ ना कुछ सेल्स मुझे भी आ जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ से मुझे 3-4 कस्टमर्स ने वो अप्रोच किया है, वो अलग से बात है कि वो अप्रोच करके और बाद में जो है ना वो कहते हैं कि हम ऑर्डर कर देते हैं जी, करेंगे हफ्ते बाद करेंगे, ये चीज़ें फिर चलती रहती है साथ साथ। ये देखें मैंने 787 वाले को किया ऑप्टिमाइज अपनी गिग में और आप देखें कि मेरी गिग जो है वो इस वक्त यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं इस गिग पे 2-4-5 रिव्यूज बाय कर लूँ, रिव्यूज मतलब फेक रिव्यूज लगा दूँ, ठीक है, तो मोस्ट पॉसिबल है कि ये मेरी गिग फर्स्ट या सेकंड रो में आ जाएगी और मुझे ऑर्गेनिकली ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये तो मस्ट है ना। तो मकसद बताने का ये है कि अगर आप लो कम्पिटिटिव नीच को टारगेट करेंगे तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जल्दी जो है ना वो उसको रैंक कर लें और आपको ऑर्गेनिक सेल जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी जी। वो रिव्यूज के बारे में इंशाल्लाह फर्दर गाइड करता हूँ मैं आपको, रिव्यूज के बारे में, रिव्यूज कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, ये चीजें हम जी फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जो है अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना वो अपना नीच का आइडिया ऐसे भी ले सकते हैं कि मैं प्रोग्रामिंग में आया, ठीक है, अब उसने बता दिया कि वर्डप्रेस आ गया, वर्डप्रेस में आप क्या क्या करते हैं जी, वर्डप्रेस में आप फुल वेबसाइट क्रिएशन पे गिग बना सकते हैं, बग पे बना सकते हैं, परफॉर्मेंस एंड एसईओ पे बना सकते हैं, लर्निंग पे, मतलब आप एक वर्डप्रेस में रह के सैकड़ों गिग्स जो है वो आप बना सकते हैं, मतलब सैकड़ों ऑप्शंस हैं, बना आप साथ ही सकते हैं एज अ बिगिनर, ऑप्शंस आपके पास सैकड़ों हैं कि आपने किस पे बनाना है और क्या करना है। वॉइस अभी ठीक आ रही है जी, सबको वॉइस ठीक आ रही है, काइंडली क्लियर करो, ठीक है। अच्छा जी, सबको आइडिया हो गया है कि आपने कीवर्ड्स को कैसे यहाँ पे, अभी ना ये एक ऑप्शन आ नहीं रही, नहीं तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा कि कीवर्ड्स रिसर्च जो है ना वो आपके लिए बहुत आसान हो जानी थी। यहाँ पे ना सजेस्टिव कीवर्ड्स नहीं आ रहे, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, अगर मेरे नहीं आ रहे शायद आपके शो हो जाए, मे बी कोई इशू हो। अच्छा, बिजनेस कार्ड फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्राफिक डिजाइनर है और वो चाह रहा है कि मैं बिजनेस कार्ड पे गिग बनाऊँ, ठीक है, वो क्या करेंगे, सजेस्टेड कीवर्ड्स जो है लाइक सजेस्टेड कीवर्ड ये वाले, ठीक है, ये वाले कीवर्ड्स जो है इनको नोट करें, इनको नोट करके वन बाय वन यहाँ पे ऐड करें, जब वो इनको ऐड करेगा, ठीक है, उसके बाद जो उसको
ये वाले रिजल्ट शो होंगे, ठीक है, उसने अपनी शीट में ऐसे ऐड करते जाना है और उसने मैक्सिमम आप जितने कीवर्ड्स हैं, अच्छा जी ये ऑप्शन शो हो गया जी, अच्छा वो लिस्ट भी आपके पास आ गई, ठीक है, अब आपके पास ये वाली लिस्ट आ गई, ठीक है, अब आपके पास ये वाली सजेस्टेड कीवर्ड्स की लिस्ट भी आ गई है, ठीक है, आपने क्या करना है, अब वन बाय वन इनको ओपन करना है, ठीक है, जब ऐसे इनको ओपन करते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला जो कीवर्ड है बिजनेस कार्ड डिजाइन, इस पे इतने रिजल्ट्स हैं, ठीक है, यूनिक बिजनेस कार्ड डिजाइन इस पे इतने रिजल्ट्स हैं, ठीक है, लग्जरी बिजनेस कार्ड डिजाइन इस पे इतने रिजल्ट्स हैं, मतलब ये कहने का है कि ये तो हैं तो मेन कीवर्ड्स, बट आप क्या कर सकते हैं, जैसे लग्जरी है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे गिग में जाएं, ठीक है, गिग में जाके आप यहाँ से एंड पे आके, एंड से आके आपने यहाँ पे रिलेटेड टैग्स जो हैं इनको फॉलो करना है, रिलेटेड टैग्स आपने उधर लगा के इधर सर्च में, ठीक है, उसके कितने रिजल्ट्स हैं और ऐसे ही आपने लिस्ट बिल्ड कर लेनी है, ठीक है, अच्छा जी, अब आपकी एक लिस्ट बिल्ड होगी, पहली बात तो ये कि पहली मेन चीज़ जो हमारी थी वो थी हमारी कीवर्ड रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल हमने कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट कर ली, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जी कि का टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है, तो वो हम डिस्कस करते हैं जी कि का टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है जी, अच्छा जी की के कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, ये चीज़ें कैसे करनी है, कर ली इसको आप चैट में यस करें, मैं तब तक पानी पी लूँ, मैं एक मिनट में आया जी, आप इसको अगर जिसको समझ नहीं आई वो भी अपनी राय दे, यस नो लिखे ताकि आइडिया हो जाए, बाद में इसको हम रिपीट कर लेंगे, कीवर्ड कैसे निकालने हैं, लिस्ट कैसे बिल्ड करनी है, ये चीज़ें जिनको क्लियर होनी है वो यस की, मैं आया एक बड़ा जी, बच्चों का शो जी, मैंने विंडो भी क्लोज की हुई है और दरवाजे भी क्लोज किए हुए हैं, तो बच्चे जो है ना वो पीछे से शोर कर रहे हैं, असल में मैं हूँ आज घर और मैं बैठा हुआ हूँ ड्राइंग रूम में, बाहर गली में जो बच्चे हैं ना वो शोर करते हैं, तो इसके लिए माजरत जी। जी कीवर्ड सर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड सर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आफ्टर द लेक्चर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, YouTube की अच्छी वीडियो निकाल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने कीवर्ड्स कैसे निकालने, ये तो मेरा मेथड है ना, आपने खुद से भी देखना है कि आपको कैसे इजी लगता है, ठीक है, आपको कैसे इजी लगता है कि आपको जो है ना वो अच्छे कीवर्ड मिल जाए, या आप खुद से YouTube पे देखें, ठीक है, आप खुद से चीज़ें भी करें, मैं भी इंशाल्लाह आपको ये इसके बाद सेशन के बाद जो मैं आपके साथ टेम्पलेट्स और कुछ चीज़ें हैं वो शेयर करूंगा, देन मैं जो आपको ये उसमें वीडियो भी ऐड करके दूंगा कि आपने टाइटल कैसे ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है और क्या कहते हैं उसको की जो है इमेज कैसे बनाई, ये चीजें मैं इंशाल्लाह जो है ना वो शेयर करूंगा। अच्छा जी ये सारी चीजें क्लियर होंगी, फर्दर मूव करें जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, मैम फायजा से आप पूछ लें, मैम फायजा कह रही है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, अजी हम फर्दर मूव करते हैं टाइटल पे एंड देन कैटेगरी एंड देन टैग्स जी, ठीक है, अच्छा जी आपने टाइटल कैसे बनाना है, टाइटल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे टैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वैसे ही हमारे लिए टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं गिग बनाने जा रहा हूँ, विक्स
वेबसाइट रीडिजाइन कीजिए, ठीक है। अब मैं जब इसको सर्च करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स शो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो लोग जिन लोगों ने विक्स वेबसाइट रीडिजाइन पे गिग को ऑप्टिमाइज किया हुआ, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट शो हो गए। तो इससे मैंने इस पेज से आइडिया लेना है कि लोगों ने किस तरह का टाइटल जो है ना वो बनाया हुआ, किस तरह के टाइटल पे अच्छे रिजल्ट्स हैं, किस तरह के टाइटल पे ज्यादा रिव्यूज हैं, किस तरह के टाइटल्स पे लोग ज्यादा काम ले रहे हैं, तो ये चीजें मैंने माइंड में रखनी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि लाइक जो किक आपको अच्छी लगती है, लाइक इसके 202 रिव्यूज हैं, इसके 37 है, 119 है, ठीक है, तो क्या करना है कि आपने जिनके रिव्यूज अच्छे हैं उन गिग्स को आपने ओपन कर लेना, लाइक मैंने ये गिग्स ओपन कर ली, ठीक है। आपने इसमें देखना है कि अब आपने गिग्स को ओपन कर लिया, ठीक है, आपने गिग्स को ओपन कर लिया, ठीक है, गिग्स ओपन हो गई। आपने अब क्या देखना है कि जी आपने एक दो, स्पीड थोड़ी सी मेरी इंटरनेट की स्लो है उसके लिए जी सॉरी, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, ठीक है, अगर आप देखें तो विक्स वेबसाइट डिजाइन और विक्स वेबसाइट रीडिजाइन, विक्स वेबसाइट डिजाइन रीडिजाइन विक्स वेबसाइट, मतलब आगे पीछे है, कहीं पे रीडिजाइन आगे लगा हुआ है, विक्स पीछे लगा हुआ, इस तरह से है, रीडिजाइन विक्स वेबसाइट और विक्स वेबसाइट डिजाइन, इसको देख लें, I will design a Wix website and redesign a business Wix website, ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल। अब ये चीजें आपने देख ली कि टाइटल्स लोगों ने कैसे बनाए हुए हैं, आपने अब आपने अपने अपनी नीच के अपने कीवर्ड के हिसाब से देखना है जो आपने कीवर्ड टारगेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दो तीन चार और पांच, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पांच कीवर्ड जो है वो फाइवर चॉइस जी इसको मैं डिस्कस करता हूँ जी बाद में, आप जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसमें आप बताइएगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे जी, फाइवर चॉइस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पांच कीवर्ड जो है वो मेरे कीवर्ड्स हैं जिनको मैंने कंसीडर कर लिया कि मैं इन कीवर्ड्स को अपनी गिग में ऐड करूंगा क्योंकि ये लो कम्पिटिटिव है, मैं इनको ऐड करूंगा जी। अच्छा, इसमें कॉमन चीज आपने देखनी है कि कॉमन चीज क्या है जी, ठीक है, कॉमन चीज आपने देखनी है विक्स वेबसाइट डिजाइन, विक्स वेबसाइट तो सब में जी कॉमन है, ठीक है। अब आपने देखना जी इसमें बिजनेस एडिशनल है, ठीक है, इसमें बिल्डर है, ठीक है, इसमें डिजाइनर है, इसमें क्रिएट अ विक्स वेबसाइट है, लाइक मैं ये पांच कीवर्ड जो है मैं फॉर एग्जांपल ये मुझे अच्छा नहीं लगता यार ये विक्स बिल्डर, ठीक है, तो मैं विक्स बिल्डर को फॉर एग्जांपल यहाँ से फिलहाल खत्म करके मैं ये कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी, मैं इसको टारगेट करूंगा, ठीक है। तो टाइटल कैसे बनाना है जी, आपने टाइटल फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है, अब मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ विक्स वेबसाइट डिजाइन एंड विक्स वेबसाइट रीडिजाइन, मतलब कि मैं विक्स वेबसाइट को डिजाइन भी कर सकता हूँ और विक्स वेबसाइट को रीडिजाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से यहाँ पे देखना है कि आई विल डिजाइन और रीडिजाइन विक्स वेबसाइट, I will create a Wix website or Wix website redesign for you, ठीक है। For example, एक अच्छा title वही होता है जो थोड़ा सा short भी हो, ठीक है, ये नहीं कि बहुत लंबा title लिखते हैं और बाद को पता बाद में जो ना वो पता ही ना चलेगा यार क्या लिखा और क्या नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ Wix website design and Wix website रीडिजाइन, ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे उसने विक्स वेबसाइट रीडिजाइन है, बिजनेस विक्स वेबसाइट डिजाइन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिजनेस विक्स आई विल। अच्छा, यहाँ पे एक और कीवर्ड हम देख लेते हैं बिल्ड, फॉर एग्जाम्पल हम लिखे बिल्ड
बिल्ड वीक्स वेबसाइट के कितने रिजल्ट्स हैं और क्रिएट वीक्स वेबसाइट के कितने रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्ड के 3700 है और यहाँ पे अब जब हम लिखें क्रिएट तो इससे कितने, तो इसके जी इसके 403 इतने। अच्छा जी, हम यहाँ पे यूज करेंगे बिल्ड, क्योंकि ये बिल्ड फॉर एग्जाम्पल बिल्ड वीक्स वेबसाइट डिजाइन, तो इसको ये एक कंसीडर जब ये एसईओ की बात आती है, एसईओ की टर्म आती है, जिनको एसईओ का पता है तो उनको पता होगा कि ये इसको निकाल के बिल्ड वीक्स वेबसाइट डिजाइन जो इसको कंसीडर करेगा कि टाइटल में ये कीवर्ड यूज हुआ है। वीक्स वेबसाइट डिजाइन, बिल्ड वीक्स वेबसाइट, बिजनेस वीक्स वेबसाइट, रीडिजाइन बिजनेस वीक्स वेबसाइट, ये चीजें जो है वीक्स प्लेटफॉर्म है जी वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे वर्डप्रेस, मजिल्टो, शॉपिफाई ये है, वैसे ही वीक्स है। मुझे एक मिनट दीजिएगा जी, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आया, सॉरी जस्ट एक मिनट। जी अच्छा जी, ये समझ आ गई है आपको कि आपने टाइटल कैसे क्रिएट करना है। टाइटल क्रिएट जो है वो आपने आइडिया लेना है अपने कीवर्ड से, ठीक है, कि आपने कौन से कीवर्ड टारगेट करने हैं, और जो कीवर्ड आपने टारगेट करने हैं आपने उनको अपने टाइटल में इस तरह से अरेंज करना है कि वो अजीब सा ना लगे, लाइक रीडेबल लगे और अच्छा लगे। ट्राई करें कि शॉर्ट रखें टाइटल को। यहाँ पे तो इन्होंने बताया हुआ है कि 58 करेक्टर्स हुए हैं, आप अप टू 80 ऐड कर सकते हैं, पर आप शॉर्ट रखें इसको, जितना शॉर्ट रखेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। जिनको टाइटल का आइडिया हो गया, टाइटल की समझ आ गया, काइंडली वो क्लियर कर दें, देन फर्दर प्रोसीड करें जी। मैं ये बाद में आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड ये चीजें कैसे आपने बनानी है। तो ठीक, आपने जो है वो मुझे एक मैसेज आया जी, मैं इसका रिप्लाई कर लूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी ठीक है, सबको जी ग्रुप में सेंड करूंगा इंशाल्लाह। मैम फायजा जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगी, तो ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी और मैं जो टेम्पलेट शेयर करूंगा वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। अच्छा जी, अब मेन सेकंड चीज जो है वो है जी कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जी बिडिंग इसमें बिडिंग नहीं होती जी, फाइवर में बिडिंग नहीं होती। फाइवर में जस्ट ये होता है कि सॉरी एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी इसमें ये होता है, फाइवर में ये होता है कि फाइवर में जब कस्टमर आता है, कस्टमर वहां पे अपनी एक ऑफर क्रिएट सॉरी एक जॉब क्रिएट कर देता है, एक ऑफर क्रिएट कर देता है फॉर द सेलर्स, ठीक है। सेलर क्या करते हैं, उस पर जाते हैं, कस्टमर ने अपना रेट दिया होता है कि मैं एक वेबसाइट बनवाना चाह रहा हूँ, मेरा बजट है $100, ठीक है। तो डिफरेंट सेलर्स जाएंगे, वो अपने हिसाब से उस पर बिड करेंगे, कोई कहेगा मैं $80 में बना के दूंगा, कोई बोलेगा मैं 30 में बना के दूंगा, कोई बोलेगा मैं 50 में बना के दूंगा। तो इस तरह से जो है ना वो ये चीजें काम करेंगी
इस पे फाइबर पे इस तरह से काम होता है। अच्छा जी सॉरी, मुझे मैसेज जो है ना वो क्लाइंट कर रहा है, उसमें रिप्लाई कर रहा था। अच्छा जी, अब आपने सेलेक्ट करनी है कैटेगरी। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, मेरी मेन कैटेगरी है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से कैटेगरीज में जा पाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे वो सजेस्टेड ऑलरेडी बता रहा है कि आप जो है ना आपके टाइटल को देख के हमने आपको ये कैटेगरीज जो है वो सजेस्ट कर दी जी। बाय रिक्वेस्ट, बिल्कुल बाय रिक्वेस्ट जो होती है, जब आप बाय रिक्वेस्ट पे जाएंगे, बाय रिक्वेस्ट जो वो क्लाइंट पोस्ट करता है बाय रिक्वेस्ट, ठीक है। जब आप जाएंगे तो आप जब आप अपनी ऑफर सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आप जो है ना प्राइस मेंशन कर सकते हैं। तो बाय रिक्वेस्ट को इंशाल्लाह जो है वो जैसे जैसे जी, ये तो बेसिक्स है ना जी, ये बेसिक्स है। जब बेसिक्स कवर हो जाएंगी, यहाँ पे जाहिर है कुछ लोग होंगे जिनको ये चीजें पता है, बट ये बेसिक्स है, बिल्कुल स्टार्ट से इसको लेके चल रहे हैं। जब ये चीजें मेन बेसिक्स हो जाएंगी, देन फर्दर इन चीजों को हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरी की मेन जो है वो कैटेगरी है वो है वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस, ठीक है। अब ये मेरी प्रोग्रामिंग एंड टेक, उसमें मैं वेबसाइट एंड बिल्डर सीएमएस पे काम करता हूँ, ठीक है। देन मेरी सर्विस टाइप जो है फुल वेबसाइट क्रिएशन है, फुल वेबसाइट क्रिएशन। यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इतने जो सीएमएस हैं, ये इतने सीएमएस हैं जो फाइबर पे लोग जो है वो ऑफर कर रहे हैं, आप कौन से सीएमएस पे काम करेंगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जी विक्स को, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में मुझसे वो पूछ रहा है कि जब आप विक्स पे काम करेंगे तो विक्स में आप कौन सी इंटीग्रेशन जो है वो हमें ऐड करके देंगे, लाइक आप ब्लॉग बना के देंगे, सॉरी आप कौन किस किस्म की विक्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं उसको बता देता हूँ जी, पोर्टल बना दूंगा, क्राउड फंडिंग बना दूंगा, ऑनलाइन कम्युनिटी, वेडिंग, एंटरटेनमेंट, मतलब मैं विक्स पे हर तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप जो बना सकते हैं, आपने जस्ट अपनी सर्विस के हिसाब से वो चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सपोर्टेड प्लगइन टाइप्स वो मुझे बता रहा है कि जी विक्स में इतने सारे ये प्लगइन्स होते हैं, तो आप जो है ना अपनी सर्विस में कौन कौन से प्लगइन्स ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं अपनी सर्विस में सारे ही प्लगइन जो है वो ऑफर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सारे जो है वो ऑफर करके, तो मैं इसको ये मेरी होगी जी कैटेगरी होगी। देन आ गए जी मोर इम्पोर्टेंट टैग्स, ठीक है। तो आपने टैग्स कौन से ऐड करने हैं, टैग्स आपने वो ऐड करने हैं जी जो आपने अपने टाइटल में भी कवर किए हैं, जो आपने अपने टाइटल में भी कवर किए हैं, और आपने वो जो टैग्स हैं वो टैग्स आपने यहाँ से अपनी लिस्ट से लेने हैं, जो आपने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। आप अप टू 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं, 5 से ज्यादा टैग्स आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। आपके जो रिजल्ट्स अपीयर होते हैं वो इन्हीं टैग्स की बेस पे होते हैं, अगर आप टैग्स अच्छे नहीं लगाएंगे तो आपके रिजल्ट जो है वो जो मतलब एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते कि आपके रिजल्ट अच्छे हों। जितने अच्छे टैग्स लाइक लो कॉम्पिटिटिव टैग्स लगाएंगे स्टार्ट में, तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जो है वो सेल्स जनरेट हो सके। अच्छा जी, मैं यहाँ पे टैग्स निकाल लूँ, फॉर एग्जांपल टैग्स एक मैंने विक्स वेबसाइट रीडिजाइन में कर रहा था, यहाँ पे मैंने अपने टाइटल में बिजनेस विक्स वेबसाइट भी लगाया था, ठीक है। फिर मैंने अपने टाइटल में जी विक्स वेबसाइट रीडिजाइन भी लगाया था, ठीक है। फिर मैंने अपने टाइटल में जी क्रिएट विक्स वेबसाइट भी लगाया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रिएट अच्छा यहाँ पे लग देता हूँ बिल्ड भी, फॉर एग्जांपल मैं लगा दूँ विक्स वेबसाइट, एक कीवर्ड ये भी है विक्स वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विक्स वेबसाइट मेरा आ रहा है, तो मैंने एक विक्स वेबसाइट भी ऐड कर दिया, ठीक है। मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा जी। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया, काइंडली क्लियर कर दें, कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, टाइटल कैसे बनाना है, कीवर्ड कैसे ऐड करना है, जिसको यहाँ तक समझ आ गया काइंडली क्लियर कर दें। सबको समझ आ गया, पक्की बात है समझ आ गई है, जस्ट मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि आ गई है। ये अलग बात है, मैं फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, तो अगर कोई गलती होगी तो सॉरी जी। सब कैटेगरी में आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे आ जाएं ओवरव्यू में देखें जी, मेरी जब आप अपने यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे ना, तो आपको नीचे सजेस्ट कर देगा कि आपकी मेन कैटेगरी है वो कौन सी। फॉर एग्जांपल जी, फॉर एग्जांपल मैं
आज हम अगर ग्राफिक डिजाइन में लोगो बना रहा हूँ, ठीक है, मेन आ गई जी ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में कह रहा है सब कैटेगरी में आप लोगो बना रहे हैं, आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, रिज्यूमे बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है जी, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सिलेक्ट की, फिर मैं लोगो डिजाइन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है जी, फिर वो मुझे यहाँ पूछ रहा है कि आप लोगो डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें, आप ए आई फाइल दे रहे हैं, जेपीजी दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, फिर यहाँ से वो पूछ रहा है कि आप कौन सा लोगो बनाएंगे, विंटेज बनाएंगे, हैंड रिटन बनाएंगे, मतलब ये चीजें हैं, ठीक है, ऐसे ही मेरी जो मैं दोबारा अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ जी, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट एंड बिल्डर, और यहाँ पे जी मैं करता हूँ फुल वेबसाइट क्रिएशन, और ये अपडेट, अच्छा ये सारी चीजें वैसे ही आ गई, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी प्राइसिंग पे, मेन चीज, अब प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, प्राइसिंग में दो ऑप्शन है अभी यहाँ पे हमारे पास जी, एक ऑप्शन तो ये है कि हम तीन पैकेजेस सिलेक्ट करें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जी कैसे, फॉर एग्जांपल ये की है, ये तो इसने क्या किया हुआ जी, इसने तीन पैकेजेस वाली की कंपनी क्रिएट की हुई है कि बेसिक पैकेज इसने एक रखा हुआ है, एक इसने स्टैंडर्ड रखा है, उसमें बता रहा है कि मैं आई विल डिजाइन अ रीडिजाइन वीक्स वेबसाइट अप टू 5 पेजेस, वीक्स स्टोर भी बना के दूंगा जी $100 में, यहाँ पे वो बता रहा है जी वीक्स वेबसाइट अप टू 10 पेजेस प्लस स्टोर एड करके दूंगा, मतलब ये तीन फीचर्स, अगर आप इसको तीन फीचर्स को हाइड कर देंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ से तीन, ये तीन खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट एक ही प्राइस आएगी जो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, देखें यहाँ पे आप ऐड कर देंगे सारा कुछ और वो एक प्राइस जो होगी, ठीक है। तीन पैकेजेस का ये होता है कि आप सर्विस, सॉरी आप जो बायर को है वो ऑप्शंस दे देते हैं कि वो किस पैकेज को चूज हो। वीडियो कहाँ चल गई, अच्छा जी यहाँ तक आपको समझ आ गई, अच्छा जी मैं चैट को फिलहाल नहीं देख रहा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नीचे से कमेंट्स आते हैं तो ऊपर हाइड हो जाते हैं तो पता नहीं चलता, ठीक है जी। अब प्राइस आपने यहाँ पे अपनी ऐड करनी जी, मैं पहले पैकेज को रखता हूँ जी बेसिक पैकेज, ठीक है, दूसरे को रखता हूँ जी स्टैंडर्ड, आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं, यहाँ पे जी करता हूँ प्रीमियम, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना डिस्क्राइब करना है कि बेसिक पैकेज में क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड में क्या करेंगे और प्रीमियम में क्या करेंगे। तो आप इस चीज का आइडिया कहाँ से ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि मैं कौन से वो ऑफर्स, कौन सी ऑफर्स जो है वो कौन सी सर्विसेज कितने कितनी प्राइस में ऑफर कर सकता, तो इसका बेस्ट आइडिया यही है कि आप टॉप की केस को ओपन करें अपने कीवर्ड्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस गिग को ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया कि बेसिक जो है वो बेसिक में दे रहा है लैंडिंग पेज अप टू 4 पेजेस विद फ्री कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे वो दे रहा है 3-5 पेज मोबाइल एंड सर्च इंजन फ्रेंडली और मार्केटिंग इंटीग्रेशन भी होगी, यहाँ पे वो बता रहा है कि बेसिक पैकेज में सिंगल पेज वेबसाइट होगी और 5 पेजेस होंगे और ये, और आपने यहाँ से आइडिया ले लेना है कि वो तीन पैकेजेस में सब लोग क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी सिंगल पेज वेबसाइट प्लस सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, प्लस बस मैं कह देता हूँ जी कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा, प्लस जी स्पीड अच्छी होगी इस तरह से जी। फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें ऐड करनी है अपने अपने सर्विस के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, आप कितना कर सकते हैं उस हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी है, और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्ट में जो है वो आप अपनी बेसिक प्राइस कम रखें। उसका फ़ायदा ये है कि बेसिक प्राइस जब कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इसकी बेसिक प्राइस जो है वो $20 शो हो रही है और इसकी मैक्सिमम प्राइस आप देखें 250 है, तो क्या होगा कि कस्टमर तो $20 को दे के वेबसाइट को ओपन कर लेगा,
हो सकता है वो जब वेबसाइट को सॉरी गिग को ओपन कर ले तो उसको ये पैकेज पसंद आ जाए स्टैंडर्ड, हो सकता है उसको प्रीमियम पैकेज स्टैंडर्ड पसंद आ जाए, तो बेसिक में हम काम भी उसको उतना करके देंगे जितने वो हमें पैसे देगा। ये नहीं है कि हम बेसिक पैकेज में $5 में हम उसको पूरी वेबसाइट क्रिएट करके दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे वो चीज़ें अपने हिसाब से ऐड करनी है जी। यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी अप टू 5 pages प्लस सोशल मीडिया प्लस SEO प्लस स्टोर प्लस पेमेंट इंटीग्रेशन एंड मच मोर। ठीक है जी, ऐसे ऐड करते हैं स्टैंडर्ड। इधर ही मैं ऐड करता हूँ 7 pages फुली प्रोफेशनल वेबसाइट, और आपने फीचर्स ऐसे ऐड कर देने हैं लाइक स्टोर और सोशल मीडिया प्लस रिस्पॉन्सिव। ठीक है जी, ऐसे आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मेन एज अ बिगनर अगर जो आप यहाँ पे काम दे रहे हैं अगर तो आप उसको 24 आवर्स में डिलीवर कर सकते हैं, तो आप ट्राई यही करें कि जो इसकी डिलीवरी डेट है वो वन डे रखें 24 आवर्स। उसके होता है कि फाइबर जो है मोर प्रेफर उन लोगों को करता है जिनकी जो डिलीवरी टाइम है वो कम हो, मतलब एज अ न्यू सेलर ये एक प्लस पॉइंट है अगर आप इसको प्राइस भी कम रखें और उसका डिलीवरी टाइम भी कम रखें। ठीक है, जब कस्टमर आए तो वो ये कहे कि यार इसकी प्राइस भी कम है और इसका डिलीवरी टाइम भी कम है, आई शुड गो विद दिस। ठीक है, तो वो मोस्ट पॉसिबल है कि वो आपके साथ काम करे। ठीक है, सेकेंड आपने देखना है कि आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, लाइक मतलब क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, कितने दिन में आप वो कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल मैं 3 दिन में कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप आ जाए मैं 5 दिन में करूँगा। यहाँ पे आपने करना है जी, जब आप अपनी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डिफरेंट शो होते हैं सर्विस के हिसाब से। जब आप सर्विस ग्राफिक की होगी तो यहाँ पे ग्राफिक्स की चीज़ें आपको शो होगी। ठीक है, कि आप कौन सी फाइल डिलीवर करेंगे कौन सी नहीं, तो ये चीज़ें जो है ये ऐसे चलती हैं जब आप अपनी जाएंगे उसमें गिग क्रिएट करने में। ठीक है, तो यहाँ से वो आपको जो है ना ऑप्शन जो है वो आपसे पूछेगा, तो आपने अपनी गिग के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो मुझसे वो पूछ रहा है जी मैंने बेसिक पैकेज में लगाया है जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा मैं जरा बच्चों को चुप करा लूँ। काइंडली यहाँ तक जिसको समझ आ गई है काइंडली वो अपना ओके कर दे, ताकि फिर इसको ओके कर दे। मैं अभी 1 मिनट में आया। अच्छा जी, सबको समझ आ गई है। ठीक है जी, ज्यादा लोगों को समझ, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं अभी? ठीक है जी, मोस्टली लोगों को है ना वो जो समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा जी इसको मैं फर्दर इसको करते हैं जी। मैं एक पे यहाँ पे मैं जी ऑफर कर रहा हूँ आपको 5 pages, मैं अपने थर्ड पैकेज में ऑफर कर रहा हूँ जी आपको 7 pages। ठीक है, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन मैं इसमें नहीं करके दे रहा, इसमें दे रहा हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ। कंटेंट अपलोड बेसिक में नहीं दे रहा, इसमें दे रहा हूँ, इसमें दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिव इन दोनों में नहीं दे रहा, इसमें दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेजर डिफरेंस मैंने क्रिएट किया हुआ है कि क्लाइंट जो जब आ रहा है उसको पता हो कि कौन से पैकेज में मुझे कौन सी चीज जो है वो मिल रही है, कौन से पैकेज में मुझे कौन सी चीज नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना ये आपने यहाँ से अपनी चीजें सेलेक्ट करनी है। कितने प्लगइन्स ऐड करूंगा जी, मैं 2 करता हूँ बेसिक में, स्टैंडर्ड में करता हूँ जी 5, और जी मैं प्रीमियम जो मेरा पैकेज है उसमें मैं करता हूँ जी 10 plugins में ऐड करके दूंगा जी वेबसाइट में। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में मैं ई कॉमर्स का फीचर्स दे रहा हूँ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल इन माई केस जो मैं गिग बना रहा हूँ,
मैं बेसिक वेबसाइट में ई कॉमर्स दे ही नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट ही नहीं करूँगा, ठीक है। अगर वो रिक्वायर्ड है तो शायद मुझे सेलेक्ट करनी पड़े। यहाँ पे मैं जी 5 करके दूंगा प्रोडक्ट्स ऐड उनके स्टोर में, यहाँ पे भी मैं 15 करके दूंगा। फॉर एग्जाम्पल रिवीजंस का मतलब क्या होता है? रिवीजंस होती हैं लाइक आप अपने कस्टमर को जब ऑर्डर डिलीवर करते हैं, ठीक है, तो वो आपको रिवीजन, वो आपको कह सकता है कि ये मुझे पसंद नहीं आया, आप इसको दोबारा करें, वो रिवीजन पे डाल देगा ऑर्डर को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप उसको सिलेक्ट करके देंगे आप कितनी रिवीजन करके देंगे उसको, ठीक है, कि आप एक ऑर्डर फॉर एग्जांपल एक लोगो बनवाता है कोई बंदा, ठीक है, अब उसको लोगो जब आप सेंड करेंगे तो उसको हो सकता है वो पसंद ना आए, वो बोले इसका कलर चेंज कर दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा ऑर्डर रिवीजन पे डाल देगा। तो आपने उस हिसाब से अपनी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि उसको कितनी दफा आप जो ना वो रिवीजन करके दे सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक दफा करके दूंगा जी, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं रिवीजन नहीं दूंगा, प्रीमियम में मैं कहता हूँ जी दो दफा मैं रिवीजन करके दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आ गई जी प्राइस की, ठीक है। बेसिक पैकेज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी $5 से। स्टैंडर्ड पैकेज प्राइस आपने अब अंदाजा लगाना है कि आपने कौन से फीचर्स जो हैं वो ऐड किए हैं, ठीक है, और जो फीचर्स आप अपने स्टैंडर्ड पैकेज में शो करवा रहे हैं तो स्टैंडर्ड पैकेज जो आपने बनाया तो फीचर्स के हिसाब से आपने अपनी प्राइस ऐड करनी है। ये नहीं है कि आप किसी को दे के प्राइस ऐड कर रहे हो सकता है वो बंदा इन फीचर्स की ज़्यादा प्राइस ले रहा हो सकता है वो बंदा उन फीचर्स की बहुत कम प्राइस ले रहा हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन से फीचर्स की आपने कितनी प्राइस ऐड करनी है, ठीक है। तो इन माय केस मैं करता हूँ जी एक बेसिक वेबसाइट स्टैंडर्ड वेबसाइट की $100 जी। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ मेरा प्रीमियम पैकेज है, ठीक है, प्रीमियम पैकेज में कर देता हूँ जी 250, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मेरी होगी क्लियर, ठीक है जी। अब ये चीजें क्लियर होगी, अब यहाँ पे आ गया जी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 दिन लगाया, यहाँ पे मैंने 5 दिन लगाया, अब कहते हैं जी कोई बंदा अगर स्टैंडर्ड पैकेज 3 दिन की बजाय 2 दिन में लेना चाहता है तो उसको $25 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तब उसको, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैकेज 2 दिन में हम डिलीवर करेंगे उसका हम उससे 25 जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, आप प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऐसे ही प्रीमियम में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक, अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन ऐड नहीं करना चाहते तो आप ना करें। ऐसे ही ये है कि मैं कह रहा हूँ जी यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि मैं एक पेज क्रिएट करके दूंगा, तो यहाँ पे अगर एक कस्टमर को 3 पेज चाहिए, ठीक है, तो वो हर एडिशनल पेज के कितने पे करेगा? फॉर एग्जाम्पल $10 हर पेज के पे करेगा, और जब वो उसको सिलेक्ट करेगा तो 1 दिन ऑटोमेटिकली डिलीवरी में एक्सटेंड हो जाएगा, वो 1 दिन की बजाय 2 दिन में हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जी। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन अगर उसने करवानी है तो कितने एक्स्ट्रा लेने हैं, कंटेंट अपलोड करवाने कितने लेने हैं, ये चीज़ें हैं मेन, ठीक है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, जैसे इसमें ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी ऐड नहीं है और इसमें ऐड नहीं है, अगर यहाँ पे हम ऐड करेंगे ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी बेसिक में ऐड करके देंगे तो हो सकता है हम लेंगे उससे $65 एक्स्ट्रा और 1 डे उसका ले लेंगे हम, 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, और इसमें बेसिक में है जी हम आपको ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी ऐड कर देंगे। सेशन जी अभी बस इसकी डिस्क्रिप्शन और उसके बाद आंसर क्वेश्चन होगा, उसके बाद एंड है। बोर हो गए हैं? बोर तो नहीं हो गए? ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैंने बोला था कि बेसिक्स हैं सब, सारे न्यू भी हैं, तो ज़रा क्लियर करके बता दें। मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं, मैं तो जल्दी जल्दी भाग जाऊँगा, ये ना हो तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। यहाँ तक इसको समझ आ गई है जी, इसको ओके करें, यस करें। ठीक है जी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी।
अच्छा जी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन जब आपने ऐड करनी है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपका आपका सेलर या आपका क्लाइंट जब किको ओपन करेगा तो डिस्क्रिप्शन वो मस्ट रीड करता है। डिस्क्रिप्शन उसने रीड करनी है कि मुझे ये जो बंदा ये जो सर्विस ऑफर कर रहा है, आपने वो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है कि क्या क्या चीज़ें आप ऑफर कर रहे हैं, क्या फीचर्स हैं, लाइक मतलब क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं आप, और आप क्यों दूसरों से अलग हैं, और ऐसी चीजें। मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर करता हूं जी, मुझे जस्ट कुछ सेकंड दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे ला लेकर स्टॉप कर रहा हूं। आप मुझे सुन सकते हैं? जी। अच्छा, अभी इसके जो डिस्क्रिप्शन और ये गिग का प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा स्पीड अप कंप्लीट कर लें ताकि हम मार्च से पहले पहले ना इसको वाइंड अप कर दें। ये बस यही रह गया, बस यही रह गया। हाँ, बस इसको कंप्लीट करके ना फिर मेजर क्वेश्चंस ले लेते हैं, फीडबैक वगैरह ताकि ले लें। क्योंकि अभी इन केस इनको समझ में अगर आता है नहीं आता ना, तो अभी आप जस्ट फोकस उसमें रखें गिग पे, ताकि वो फिर रिपीट में टेलीकास्ट देखेंगे या इसको रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो फिर इनको और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है, जस्ट मैं अभी अपनी स्क्रीन जो है दोबारा सॉरी आमिर एंड फायजा, थोड़ा सा एरर हमें आ रहा है, हमें ना जूम को रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेशन एंड होता है तो हम 5-7 मिनट बाद इसको दोबारा से एक्टिव करते हैं। जी ठीक है, 5-7 मिनट में एक्टिव हूँ, आप जब ये रेडी हो जाए तो मैं रेडी हूँ। ये बिल्कुल एंड खत्म होने वाला है, सेशन यहाँ पे एंड होने वाला है, तो हम इसको दोबारा से एक्टिव करते हैं। ठीक है, दोबारा से एक्टिव करके लिंक शेयर कर देंगे।